तो देखिए यहाँ पे हो रही हमारे घर की सफाई, सारा काम चौपट पड़ा हुआ है और देखो कितने गर्दन मचा रखी है यहाँ पे। और ये हमारे स्टोर में और सारे दाल वगैरह जो हैं, और देखिए स्टोर रूम है हमारा, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ वेट। और आजकल मेरा वेट जो है थोड़ा लेस हो गया है और मैं पतली हो गई हूँ, ज़्यादा तो नहीं बस थोड़ा बहुत। तो मिस्टर कोच हमारे रूम पे सफाई कर रहे हैं और बाहर वाले रूम पे हमारा काम चल रहा है। तो देखिए सीलन से क्या हाल हो रहा है, सारा सीलन के कारण यहाँ पे पूरा रूम ख़राब हुआ है। तो चल रहे हैं यहाँ पे रिपेयरिंग का काम। तो मैं हूँ मोना कौशिक, दिल से आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। कैसे हैं आप जरूर बताइएगा, एडवांस में हैप्पी दिवाली। तो कैसे चल रही है आपकी सफाई सफुई जरूर बताइएगा। स्वागत है आपका मेरे चैनल BMP बिल्ला फैमिली ब्लॉग में। तो ज़रूर बताइएगा आप क्या क्या काम कर रहे हैं और कित सफाई कितने रह गए, कितनी होनी है ज़रूर बताइएगा। देखिए हमारा तो यहाँ इस तरह से सारा काम फैला फूला पड़ा हुआ है और कुछ भी अभी तैयारी कुछ भी नहीं, शॉप वगैरह भी नहीं हुई है। तो देख सकते हैं अब सारा सामान जो हमारा ड्राइंग रूम का था वो यहाँ पर लेके आए हैं, और डाइनिंग टेबल वगैरह इस तरह से सारा कुछ सामान फैला पड़ा है। तो बस मम्मा का जो रूम है वो क्लीन हो चुका है ऑलरेडी, हमने धुलाई वगैरह की, विंडोज वगैरह सारे में धुलाई करी थी। तो ज़्यादा बारीकी से तो नहीं कर पाए, अंदर के जो कांच वाँच के वो हमने नहीं छेड़ा, मम्मी ने कहा फिर फुर्सत में करते हैं। तो यहाँ पे वगैरह कपड़े वगैरह धो रहे हैं हम मिस्टर कौशिक जी और मैं। तो पता है काम उतना दिखता नहीं है कि हमने क्या काम किया, बट थकान जो है ना तो बहुत बुरी हालत हो गई है। तो हमें खाना खाने की भी टाइम से फुर्सत नहीं, हम टाइम भी टाइम सब चेंज हो गया, जो नाश्ता वगैरह का टाइम होता है वो चेंज हो गया, दिन का जो लंच हो तो भी चेंज हो गया, और नाइट का तो फिर नाइट ही होती, इतने लेट हो जाते। तो बच्चे आ गए स्कूल से, आप देख सकते हैं इन्हें गिफ्ट मिला है स्कूल की तरफ से, बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, वंश का दिखा रहे अपना गिफ्ट, कह रहे मम्मा एडवांस में हैप्पी दिवाली। तो आप सभी को भी बच्चों की तरफ से और मेरे पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली, तो मेरे तरफ से भी है ना। तो आप देख सकते हैं और बाहर जो काम चल रहा है वो लोग भी यहाँ पे व्यस्त हैं और ये दिखा रहे हैं शुभ लाभ लिखा हुआ है मैम लोगों ने, बच्चों के लिए खुश करने के लिए बहुत ही अच्छा बनाया है। तो कह रहे हैं थैंक यू सो मच मैम, बोल रहे थे कि हमारा काम चल रहा है बाहर पे तो मशीन की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज, तो इसलिए ये अपने पापा को दिखाने के बाद बोल रहे हैं यहाँ पे मेरा नाम है। तो ये लोग आराम से कितना मज़े आ रहे हैं बोल रहे हैं, जबकि ये सफाई सफुई होकर यहाँ पे रेडी है, सोफ़ा हमने अच्छे से क्लीन कर दिया है ना, डस्टिंग वगैरह हमारे ऑलरेडी हो चुकी है यहाँ पे। तो देखो फोटो शूट वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पे वंश का और प्रणव, तो कितने आराम से लेटी स्कूल से आके कह रहे मम्मा थकान हो गए बस मैं तो लेट जा रही हूँ। और खुशी इनके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी छुट्टियाँ हैं कल से, सैटरडे से इनकी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। तो कह रहे हैं चलिए ननिहाल, और देखो हमने कपड़े फाइनली हमारे कपड़े धुल गए हैं, मेरे ऊपर फैला लिए हैं, तो इतने ज़्यादा तार बंधे हुए हैं, सार हमें डालने के बाद भी कम पड़ गए हैं। तो फिर मैंने क्या किया, तो अंदर वाला जो है ना धूप तो वैसे थी बट जगह न होने के कारण मैंने अंदर भी फैला दिया, आप देख सकते हैं अंदर पूरे में फैला दिया है, फिर भी जगह कम पड़ गई, पता है इतने सारे कपड़े थे, सारे पैड सीट वगैरह आप देख सकते हैं। और फिर मम्मा ने कहा बच्चों से कि अगर तुम्हें दिवाली नहीं मनाने के साथ में तो दोबारा फरीदाबाद जाने के लिए, पहाड़ जाने के लिए बोल रहे हैं। और ये हमारे मामी जी, तो हम इस बीच काम वगैरह कर रहे थे, मामी आए थे तो थोड़ा टाइम मामी के साथ ही बिताया, मेरे तो बहुत बुरी हालत हो रही थी, मैंने तो अपनी न वीडियो शूट की न फोटो शूट की, बट मैंने किया है इन लोगों का कि मैं धूल से ऐसा रहते थे मिट्टी के अंदर मिट्टी के अंदर से आई हूँ। तो अब ये फाइनल हमारा जो है ना बैठक रूम क्लीन हो चुका है, अब लास्ट का आप देख सकते हैं हमने पर्दे भी लगा दिए, अच्छे से धुलाई भी कर दी, सारा सामान बाहर किया था हमने अंदर भी लगा लिया, कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। और पता है टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपनाओं का, एडवांस में हैप्पी दिवाली। और प्लीज़ अगर चैनल पर नहीं आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कीजिएगा प्लीज़ शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगेन दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका।